गांव में खुड़खुड़ी खिलाने से मना करने पर हुक्का पानी बंद करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला ग्राम देवी नावा गाँव नहरपुर थाना क्षेत्र का है। खोर राम साहू ने बताया कि मंगलवार 17 तारीख को मेरी मां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मुझे मां के शव को उठाने के लिए मना किया और समाज के द्वारा शव उठाने के लिए 1500 रुपए की मांग की गई। ऐसा करने के पीछे का कारण जब प्रार्थी ने पूछा तो गांव के लेखन साहू जो कि एक शिक्षक हैं और उनके साथ पुरुषोत्तम सिन्हा, नारायण सिन्हा, तिरित साहू, पुनित साहू, देवराम साहू एवं अन्य लोगों द्वारा यह कहा गया कि देवी नवा गांव के वार्षिक मेला में जुआ खिलाने वाले लोगों को तुम्हारे द्वारा शिकायत कर पकड़वाया गया था एवं तुम्हारे द्वारा ही पुलिस चौकी हलवा में खबर दबिश देकर जुआ खिलवाने वालों को रंगे हाथों पकड़वाया गया था। तुम्हारे कारण ही मेला में जुआ खिलाने वाले व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई थी। आपने ही पुलिस को फोन करके खबर देकर बुलाया, तब हम लोगों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। इस रंजिश के कारण गांव के लोगों ने खोर साहू को उसके मां के शव को उठाने से मना किया है। उन शव उठाने के लिए पैसों की मांग की। 1500 रुपए देने के बाद शव उठाने और अंतिम संस्कार करने दिया गया। अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद गांव में बैठक बुलाकर खोर साहू को जबरन दबाव डालकर 5000 रुपए जुर्माना बोला गया। खोर साहू के द्वारा जुर्माना देने से इनकार करने पर आग पानी रोजी मजदूरी तथा किसी के साथ बात नहीं करने का गांव के लोगों ने फरमान जारी किया है, जिससे पीड़ित परिवार को काफी आहत पहुंचा है। पीड़ित ने बताया कि इनकार करने पर मेले में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई और मेला में नाच का पूरा खर्चा समेत 50000 रुपए की मांग की जा रही है, जिससे मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हूँ। खोर साहू अपने पीड़ित परिवार के साथ SP कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंप निवेदन किया कि मां को कंधा देने से रोकने एवं हुक्का पानी बंद करने वालों को पैसे की मांग करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरे को आगे पानी गाँव वाले छोड़ दे साहब के मेरे को मतलब खुड़खुड़िया पकड़ाए के मतलब पकड़ा के मेरे को आगे पानी छोड़ दे हैं गाँव वाला। आज एक महीना हो गए, आगे जाना उनका घर जाएगा तो 5000 देगा कि बिल्कुल गांव वाला को प्रबंध कर दे, समा कर दे। होटल पानी भी नानमून है, उसको भी जाएगा तो 5000 देगा उसका होटल में। वो दिन एक मेरे गैया मर गया तो मतलब गाड़ी वाला लेगी किराए में, उसको भी बोल दिया कि मतलब तू क्यों गाड़ी लेगे, तेरे को 5000 देना कहीं को कमल को वो भी बोला है। अब एक दिन मतलब दुर्गेश गाय जोड़ेल गरी से तू तेहुल बोल दी तो 5000 देवे काबर गाय जोड़े देते गेरे होकर कर मतलब हम ना आगे पानी छोड़े के बोले चमकैस रंजीत बोला। अब एक दिन जो लड़का आदो है रघुनाथ होटल में जाते हैं तो होटल में जाते हैं, उसको भी तेरे को 5000 देना उसको चमका है साहब। अब एक मतलब अनंत ड्राइवर है उनको भी तो होटल में जाता है तेरे को 5000 उसको भी चमका है अनंत को। माँ के देहांत हुई तो के बाद क्रियाक्रम कैसे करे? अब वो मतलब 11 बजे मतलब 2 बजे 2:30 बजे के मतलब लाश रही साहब रात और दिन मतलब ले जे खात पाए जो तो मतलब वो 11-12 बजे लाश उठी। 1500 रुपये दे केवल मतलब समाज अलग की मतलब खंदा लेबर वो एक दिन के लिए मतलब टाइम दे रही से आए जैसे मट्टी दे के मतलब मतलब दुनिया में दिन अब जे फिर मतलब खाली छोड़ दी। नहीं दे हूँ नहीं दे हूँ हम अलग अलग के बला के में कारी मोर चावल गिनो मन चावल कहीं समाज के लकड़ी कहीं सब सामान ले गए हूँ। अब खाना खाए बेकस मतलब अलगा दिन तब 2:30-3 बजे में खाना बना तो मोर बच्चा मन काली दिन भर भूखे 5 बजे काला खवाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 न्यूज। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना।